इस टाइम हमारे साथ भोले मौजूद है जो हरिद्वार से इतनी सुंदर कांवड़ लेके आ रहे हैं। आइए पूछते हैं, बोले कांवड़ के बारे में। ये हमारी गोल्डन कांवड़ है, ये गुरुग्राम नाथपुर गांव की है। हम हरिद्वार से जल भर के गुड़गांव नाथपुर जा रहे हैं और बहुत अच्छी हमारी ये गोल्डन कांवड़ है। और जी हमारे साथ कम से कम 60-65 लोग हैं, हम कांवड़िया 33 लोग हैं। हमारे साथ खाना पीना DJ और हलवाई ये सब हमारे साथ हैं। और बाबा ने कांवड़ियों के लिए इतना वो कर रखा है कि वहाँ से लेके उत्तराखंड से हरिद्वार से लेके और यहाँ दिल्ली तक एक रोड बिल्कुल कांवड़ियों के लिए। और दिल्ली में आते ही तो ऐसी भीड़ हो गई और वहाँ पे क्या हमारी कांवड़ियों के कांवड़ के साथ कम से कम 20-20 पुलिस वाले साथ चल रहे थे। इतना अच्छा है कि बहुत अच्छा, बाबा ने इतनी व्यवस्था कर रखी है कि बहुत अच्छी। हर 2 किलोमीटर पर एम्बुलेंस खड़ी है, 5 ब्रिगेड खड़ी है। इतना अच्छा है कि बहुत ही बढ़िया, साफ सफाई बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें 2 साल के बाद कांवड़ लेकर आते हुए। बहुत अच्छा व्यवस्था मिली हमें रास्ते में, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत बहुत अच्छा, बहुत योगी जी ने बहुत अच्छा कर रखा था। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरा तो पहली बार है और बहुत ही ज्यादा। हम मौजूद है शास्त्री पारक सामगिरी मंदिर पे और आप मेरे पीछे सबसे पहले देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा गोल्डन विशाल कांवड़। आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता तरीके से भोले बाबा आपको देखेंगे मेरे पीछे, कितने अच्छा दृश्य है। और मैं आपको अंदर भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बहुत अच्छे भव्य तरीके से इस कांवड़ को सजाया गया है। और आइए साथ ही पीछे चलते हैं इस कांवड़ के साथ और आपको बहुत ही सुंदर झांकी देखने को मिलेगी। राधा किशन जी होंगे साथ में और सुधामा जी होंगी। बहुत अच्छी सुंदर झांकी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं तमाम झांकी का व्यवस्था है। और भोले के भक्त बहुत ही सुंदर तरीके से इस कांवड़ को लेके आ रहे हैं। तमाम यहाँ पर भक्त आपको देखने के मिलेंगे। यहाँ पर राधा कृष्ण की झांकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भोले बाबा और सुधामा जी भी दिखेंगे आपको। आइए भोले बाबा को पीछे ले सकते थे, विशाल सबसे बड़ी इस टाइम भोले बाबा की आपको मूर्ति दिखाते। कितनी विशाल मूर्ति है, अपने आप में चार चांद दिखती है ये मूर्ति। आपको देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से एक भवन सजा हुआ है कांवड़ भोले हरिद्वार से लेके आ रहे हैं। और ये इस टाइम सामगिरी मंदिर पे यहाँ के भोलों से जब बात करेंगे इस कांवड़ के बारे में पूछेंगे कि 2 साल बाद कोरोना के बाद कांवड़ लाने को मिली है तो किस तरीके से उनको व्यवस्था मिली है पुलिस की प्रशासन की तरफ से, किस तरीके से आया। आइए जाए